देखिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसद में, नवगठित संसद और नौ निर्वाचित लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आपातकाल के विरोध में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है। मैं उनके इस प्रयास के लिए माननीय श्री बिरला जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्हें अंतःकरण से धन्यवाद देते हुए सभी नवनिर्वाचित माननीय संसद सदस्यों को अपनी हृदय से बधाई भी देता हूं और इस प्रस्ताव के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि 25 जून 1975 मध्य रात्रि में तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में उस संविधान का गला घोंटने का कार्य किया था जिस संविधान की शपथ लेकर के वह देश की प्रधानमंत्री बनी थी। यह न केवल संविधान का गला घोंटने का उनकी प्रयास कुत्सित प्रयास थे बल्कि एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास था। 50 वर्ष बीतने के उपरांत कांग्रेस के इस काले कारनामों को जनता तक पहुंचाना आवश्यक है। आज भारत की संसद ने वही कार्य किया है क्योंकि कांग्रेस के का वर्तमान नेतृत्व जिस तरीके से देश की जनता को गुमराह कर रहा था, संविधान के नाम पर, आरक्षण समाप्त करने के नाम पर, इसके लिए उनके काले कारनामों से देश की जनता को अवगत कराना अत्यंत आवश्यक है। और आज भारत की संसद ने वही ऐतिहासिक कार्य किया है। कांग्रेस भले ही चेहरे बदले हो लेकिन आज उसका चरित्र आज भी वही अधिनायकवादी है, तानाशाही पूर्ण है, लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं पर आज भी उसका विश्वास नहीं है। और इसीलिए भारत की हर संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा करना, भारत के बाहर जाकर के भारत के लोकतंत्र पर, भारत की चुनाव की प्रक्रिया पर प्रश्न खड़ा करना इनकी फितरत बन चुकी है। कौन नहीं जानता है कि कांग्रेस ने संविधान लागू होने से लेकर के 2014 तक 75 बार भारत के संविधान में संशोधन किए। कौन नहीं जानता है कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करते हुए 90 बार कांग्रेस ने विभिन्न राज्यों की सरकारों को, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया था। कौन नहीं जानता है कि अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कांग्रेस ने देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ किया और
कांग्रेस के इन काले कारनामों की एक लंबी फेरस्त में आपातकाल भी आता है। आपातकाल की उस कालाकाली घटा को वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराने के लिए आज देश की संसद ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर के यह निंदा प्रस्ताव पारित किया है। यह सचमुच एक अभिनंदनीय प्रयास है, वर्तमान पीढ़ी को बताने का प्रयास है। मैं नवगठित संसद और नवनिर्वाचित लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का इस साहसिक कदम के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। सभी नवनिर्वाचित माननीय संसद सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वर्तमान पीढ़ी को हमारी देश की संसद इसी प्रकार से इतिहास के अलग अलग कालखंड में देश के साथ किन लोगों ने किस प्रकार का व्यवहार किया है इससे अवगत कराने का कार्य अगर भारत की संसद करेगी तो भारत की वर्तमान पीढ़ी न केवल उनके प्रति कृतज्ञ होगी बल्कि उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए एक नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे पाएगी।